नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। अब खबरें अन्य राज्यों से। सिल्ली विधानसभा से JLKM पार्टी के 33 वर्षीय उम्मीदवार और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो चुनावी मैदान में हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी महतो के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले वे लोकसभा चुनाव में 1,32,000 वोट पाकर चर्चा में आए और अब विधानसभा चुनाव में बाजी पलटने की उम्मीद की जा रही है। न्यूज 21 से खास बातचीत में महतो ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में सुधार के साथ एक साल में 1,00,000 लोगों को रोजगार भी जोड़ा जाएगा। तो आपका नामांकन कब करने वाले हैं? जी, हम आगामी 28 अक्टूबर 2024 को दिन सोमवार को हम करेंगे और हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि जो संघर्ष हमारा है झारखंड का नवनिर्माण को लेकर के, जो संघर्ष यहाँ के नियोजन नीति, स्थानीय नीति, यहाँ समय मतलब यहाँ के हक अधिकार और खास करके सिल्ली क्षेत्र में जो ज्वलंत समस्या है, यहाँ हाथी का आतंक से लोग परेशान हैं, बिजली की आपूर्ति समय पे हो नहीं रहा है, ब्लॉक कार्यालय में बिना लेन देन का कोई काम नहीं हो रहा है, थाना में न्याय नहीं मिल रहा है, स्कूल में शिक्षा नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रहा है, क्षेत्र में सड़क जो है कि सड़क बहुत बर्बाद हो गया है। अभी भी 76 वर्ष हो गया आज़ादी का, लेकिन सिल्ली विधानसभा का बहुत सड़क खराब है, कई गांव के लोग जो है कि समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों का सुविधा के लिए हम अपील करना चाहते हैं कि सबको नामांकन में एकता का परिचय दें। आप बोल रहे हैं कि सिल्ली विधानसभा का सड़क खराब है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि सड़कों की जाल बिछाई गई है। आप एक काम करिए, क्या कौन कहता है इसको छोड़िए, आप ग्राउंड रिपोर्ट करिए, हम आपको लोकेशन बताएंगे। दर्द होगा कि वही तो कहते हैं। आप ये सुने हैं कि नहीं सड़कों की जाल बिछाई गई है, ये सुने हैं ना? देखिए, कहने का तो आदमी कुछ भी कहता है, आप मान के चलिए कि ये दिन है, कोई कह देगा ये रात है, कोई लाखों हजारों बार कोई कह देगा तो क्या सच में रात है? सच में तो दिन है, तो सच तो सच है, हकीकत तो हकीकत है। आप ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिए जा करके, वहाँ कई ऐसे गाँव हैं जो जिस दिन आपका आचार संहिता लागू हुआ, जिस दिन से काम बंद हुआ सरकारी काम, उससे एक दिन और दो दिन तूफानी रफ्तार से शिलान्यास कराया गया। तो शिलान्यास होने से पेपर में आप दिखा सकते हैं कि रोड बन गया, शिलान्यास होने से रोड नहीं बनता है, रोड बनने के लिए वहाँ रोड धरातल पे बना हुआ दिखना चाहिए। आपको हम जगह बताएंगे, लोकेशन बताएंगे जहाँ रोड के अभाव से जान जा रहा आदमी का। इस प्रकार से क्षेत्र में बताइए, किसान के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, किसान के हित के लिए कोई मैंने व्यवस्था नहीं है, समय पे बीज नहीं मिलता है, समय पे खाद नहीं मिलता है। आपको बता दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में कोई एक भी ऐसा क्षेत्रीय कोई रोजगार नहीं है, एक इंडालको है वहाँ पे भी स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार नहीं है, पूरे बाहर के लोग आके रोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बार सिल्ली के पूर्व विधायक और अभी वर्तमान के विधायक से आपको टक्कर होने वाला है, क्या लगता है आपको कि आप लोकसभा चुनाव का मतदान प्राप्त मैदान को देख के ये हो रहे हैं कि रियल में कुछ है? देखिए, हम बता रहे हैं, लोकसभा का चुनाव देश लेवल का था, लोकसभा हम जेल के अंदर से लड़े, लोकसभा चुनाव सामने से हम किसी को वोट भी नहीं मांग पाए, लेकिन ईमानदारी से हम समर्पित भावना से जो जनता के साथ दिन रात रहते हैं और जनता का जो अपार प्रेम से जो हमको हौसला मिलता है, तो वो हमको प्रेम मिला। इस बार जो मेरा संघर्ष को आप देखते हैं तो राजहित के लिए है, राज्य की नीति के लिए, राज्य के सुधार के लिए, राज्य का नवनिर्माण के लिए है, जिसके लिए विधानसभा का ताकत और शक्ति की आवश्यकता है। तो ये मेरे लिए ज़्यादा जनसमर्थन मिलेगा, ये एकदम सच्चाई है। आप अगर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, आपको जनता वहाँ से चुनती है, क्या ऐसा काम रहा कि पहले क्या आप उसको करना चाहेंगे? सबसे पहले से तो जितना BDO CO DSP को बैठाएंगे और कहेंगे कि अब ईमानदारी से काम करिए, ना 1 रुपया पहुँचाना है इसलिए 1 रुपया ना लेना है, अगर ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं तो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ट्रांसफ़र करवा लीजिए, क्यों अगर काम करना है ईमानदारी से करिए, ये चीज़ पूरा भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हाथी का आतंक से जो क्षेत्र परेशान है, सदन में आवाज़ उठा करके हम अस्थाई समाधान का रास्ता ढूंढेंगे कि सभी हाथी को एक जगह जो है कि सेपरेट किया जाए, हाथी को सुरक्षित किया जाए, उसके लिए खाना का व्यवस्था किया जाए ताकि आदमी भी सुरक्षित हो, उसका आदमी का किसान का फसल भी सुरक्षित हो। उसके बाद बिजली का आपूर्ति को हम जो है कि समय पर कराने का काम करेंगे, क्षेत्र में किसान के लिए कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था करेंगे, क्षेत्र का किस
हम युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए स्वरोजगार का व्यवस्था करेंगे। एक साल के अंदर सिल्ली में 1,00,000 रोजगार देंगे। ये मेरा ब्लू प्रिंट तैयार है। इसके साथ साथ क्षेत्र में हम एक मैंने अवश्य विद्यालय की स्थापना करेंगे, एक महाविद्यालय की स्थापना करेंगे और वहाँ पे सारे जो है कि मैट्रिक तक कभी पढ़ाई हो रहा है, आगे पीजी तक, बीएड तक, इंजीनियरिंग, मेडिकल सारा पढ़ाई होगा। क्या लगता है इस बार आपके आप लोग वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं दिल्ली विधानसभा? देखिए हाँ, देवेंद्र क्या वहाँ का जनता जीत रहा है और जनता के कहे अनुसार, जनता के मार्गदर्शन के अनुसार हम चुनाव लड़ते हैं और उसी के अनुसार हम चलते हैं। अब हेल्थ और एजुकेशन पे क्या काम करने वाले हैं? क्योंकि हेल्थ एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट जी, मेरे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्कूल में हम जितना भी शिक्षक की कमी है उसको पूरा करेंगे, एक नंबर। दूसरी बात, जो बंद पड़ा हुआ है विधायक है वो पुरानी, अरे उसको छोड़िए ना, उसको लूटने में फुर्सत मिलेगा तब ना जी, काम करने से क्यों नहीं होगा। हम मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, हजार हजार बेकूफ बना रहे हैं, स्कूल में मास्टर नहीं है, आंगनबाड़ी सेविका को पैसा नहीं दे रहे हैं, जो है कि जलसैया को पैसा दे, पेमेंट करने का पैसा नहीं है, ये सब नहीं। विजन होगा सब होगा। इस प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक होना ये आवश्यक है, उसका स्पेशल बजट की व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रत्येक विद्यालय में स्कूल चाहिए। बहुत ऐसा विद्यालय हमारे क्षेत्र पे बंद हुआ है, उसको हम फिर से खोलने का काम करेंगे और जहाँ अभी विद्यालय का व्यवस्था नहीं है उसको विद्यालय की व्यवस्था करेंगे और खुद हम प्रत्येक स्कूल का विजिट करेंगे और सीधे जाकर के सवाल पूछेंगे बच्चों को, जिस क्लास में घुसेंगे अगर सिलेबस के अनुसार अगर बच्चा का पढ़ाई नहीं होगा तो सीधा हम मैंने जवाबदेही और सवाल हम वहाँ का टीचर से करेंगे। हॉस्पिटल जाएंगे, जितने हॉस्पिटल में जो सारे सुविधा, जैसे कि क्षेत्र का जो भी दवाई होना चाहिए, इंजेक्शन होना चाहिए, सुई होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए, जांच होना चाहिए, एमआरआई होना चाहिए, सारे व्यवस्था हम कराने का काम करेंगे। जैसे कि आपने जिस स्कूल में शिक्षक की कमी है वहाँ पे आप शिक्षक बहाली की बात कर रहे हैं, विधायक का शिक्षक बहाली करना काम नहीं है? अरे कैसे नहीं है, कौन करेगा? विधायक हमारा सरकार बन रहा है, हमें कैसे विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? कोई पार्टी कैसे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है? क्या कहना चाहिएगा सिल्ली विधानसभा के जनता को? सिल्ली विधानसभा से जनता से यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र में बदलाव